हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी माजिद साहब, टेबल टेक सिंह, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? प्रोग्राम देख लिया अपना? अपना प्रोग्राम देख लिया था कल? अच्छा, माशाल्लाह। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? जी जी ठीक जी। अच्छा, हो जाएगी? लकोरिया का लगता है, लकोरिया का लग रहा है मसला? तो उसका ये है कि रैम का इलाज पूरा कराएं उसको, वहां से उसको कहें कि यूट्रस फ्लोर लिख लें। यूट्रस फ्लोर ये बस ये मिलेगी, और ये उसकी ना बाकायदा एक वो रैम के अंदर रखते हैं, ठीक है, इंजेक्टर होता है उसके अंदर, साथ ही वो उसके अंदर रख देते हैं, तो उसको कहें कि इसका पूरा इलाज करे। मेरी जान, ये वैसे जिस तरह नहीं होता आपकी कोई ट्यूब सी होती है, पेस्ट होती है जैसे, वो उस तरह की आप देख लें, जिस तरह जिस हालत में भी आपको मिले यूट्रस फ्लोर लिख लें, यूट्रस फ्लोर लेके वो उसके अंदर रखवाएं और पूरा इलाज कराएं, या पैसरीज की गोलियां रखते हैं वो भी, या यूट्रस फ्लोर ज्यादा बेहतर है। वो लिखा होता है उसमें कि कितने कब रखनी है, और उसके बाद मिलाप कितनी देर बाद कराना है, मिलाप से पहले कितना रखना होता है, कितने गाय का भैंस का अलग है, घोड़ियों का अलग अलग है, हर एक जानवर के लिए जिनका को मसला इस तरह का होता है ये रहम का, उसमें ये रखवाई जाती है। आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, और उस पर जिस जो भी दवाई लेनी है, आपने मेरी बात नहीं सुननी, आपने उसके ऊपर देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उस पे हदायत पे अमल करते हुए आपने करना है, ठीक है, ये करके, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जब आप उसमें बीज रखवाएंगे या कुदरती मिलाप कराएंगे, तो डेलमार लिन का पहले इंजेक्शन लगा लेना है ताकि वो फिरे ना। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ये यार वो मेरे घर वाले फोन पे भी आना शुरू हो गई है कॉल, मैं देख लूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।